नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। बात करेंगे आज हम हरियाणा में पीटीआई मामले पर। हरियाणा में 2010 में 1983 पीटीआई की भर्ती हुई, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई। जो एग्ज़ाम देना था, जो इंटरव्यू होना था, वो पूरी प्रक्रिया के साथ इनकी भर्ती हुई। लेकिन अब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भर्ती में गड़बड़ी थी और सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया गया। सरकार कोई ऐसे साक्ष्य पेश नहीं कर पाई जिससे इन परिवारों पर लटकी बेरोजगारी की तलवार हट सके। तो बात यह है कि इन अध्यापकों ने, इन शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों ने अपना पूरा टाइम 10 साल हरियाणा गवर्नमेंट को, हरियाणा की जनता को दिए। लेकिन 10 साल के बाद ऐसा फैसला वाकई में ही अचंभित करने वाला है। अब ये 1983 पीटीआई कहाँ जाएंगे? अब इनके परिवारों में जो खर्चे हैं, इनके बच्चे किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे और कैसे ये अपना जीवन का संघर्ष आगे कर पाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। तो सरकारों को सोचना चाहिए कि कर्मचारियों या पिछली सरकारों की गलतियों का खामियाजा कम से कम आम जनता को न भुगतना पड़े। कुछ ऐसी राह निकलनी चाहिए जिससे इनका काम चलता रहे और इनकी बहाली हो और सरकारों में बैठे जिन लोगों ने ये दिक्कतें पैदा की, जो खामियां की, सज़ा उनको मिलनी चाहिए, न कि इन पीटीआई शिक्षकों को। एक तरफ तो सरकार कह रही थी कि कोरोना महामारी में किसी का रोज़गार नहीं छीना जाएगा और दूसरी तरफ इन शिक्षकों को बेरोज़गार कर दिया। अब सुनिए पीटीआई शिक्षक की कहानी उन्हीं की जुबानी। आप ये बताइए कि आप लोगों का जो ये मसला है, ये पूरा का पूरा क्या है और क्यों आप लोगों को निकाला है? सर, जो हमारा मसला है वो 2010 पीटीआई, हमारी जो स्ट्रेंथ है 1983 है, ये है सर। जो सरकार ने हमें बेवजह ही बाहर निकाल दिया, घर का जो रास्ता दिखा दिया है, उसका मसला है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार हमें अपनी, हमारी नौकरी वापस करे, हमारी जो इज्जत सम्मान वापस करे। जो हमारे बच्चे आज रोड पर रुल गए हैं, जिनकी थाली से रोटी का हर एक एक टुकड़ा छिन गया है, उनका टुकड़ा वापस करे। जो हमारी विधवा बहने हैं, उनके घर में तो कुछ भी नहीं है, आज वो ऐसे हालात में है कि वो मर जाना चाहती है, अपने बच्चों के साथ खुद चाहते कि आत्महत्या कर ले। ऐसी हालत में सरकार को देखना चाहिए कि जो हमारे ऐसे ऐसे भाई है, जो ऐसी बहनें हैं, जो आज रोड पे हम बैठने के लिए, कोरोना महामारी के अंदर यहाँ बैठने के लिए विवश हो गए हैं, उनकी रोजी को वापस करे, हमारी नौकरी को वापस करे। जो इन्होंने हमारे साथ इतना कुकृत है, इतना घिनौना जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जिस तरह से शिक्षक परेशान हैं, उसमें ऐसी बातें आना लाजमी है। लेकिन शिक्षकों से निशाना की अपील है कि आत्मदाह या मरने की बात न करें। आपको लड़ना है, अपनी बातें लड़कर मनवानी है और संघर्ष ही जीवन है। बने रहिए निशाना के साथ। धन्यवाद।